वेलकम यू ऑल इन टी एनालिसिस वीडियो लेक्चर्स। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एलसीएम ऑफ थ्री एंड फोर जो है वो 12 होता है। तो हम लोग समझेंगे कि ये एलसीएम 12 कैसे आता है। तो जैसे मल्टीपल ऑफ जो थ्री, अगर हम लोग देखें मल्टीपल ऑफ थ्री क्या होता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। और मल्टीपल ऑफ फोर क्या होता है, 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीपल और ऑफ थ्री में और मल्टीपल ऑफ फोर में 24 भी कॉमन है और 12 12 दोनों ही कॉमन है। तो लेकिन हमारा जो डेफिनेशंस है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा मल्टीपल दोनों में जो सेम है उसको हम लोग एलसीएम में कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फोर इज 12 आंसर हमारा होगा। जिसको कह सकते हैं एलसीएम ऑफ थ्री एंड फोर इज 12। डेफिनेशन से समझते हैं, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो गया कंसेप्ट एलसीएम ऑफ थ्री एंड फोर इज 12 क्यों हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज द लार्जेस्ट होल नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर्स विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। ये समझना जरूरी डेफिनेशंस। जैसे एचसीएफ ऑफ 8 एंड 16 जो होता है हमारा 8 होता है। तो हम लोग अगर 8 का फैक्टर देखें, 8 का फैक्टर ऑफ 8 क्या क्या हो सकता है, 1 से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है। और 16 का अगर हम लोग देखें फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ 16 क्या हो सकता है, 1, 2, 4, 8 और 16। तो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा 8 है। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा 8 होगा। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, जैसे एलसीएम ऑफ 24, 16 एंड 12 है ना। तो इसके एलसीएम को हम लोग तीन मेथड से निकालना समझेंगे। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में 24 को जितने भी स्मॉलेस्ट फैक्टर्स के हैं उसके मल्टीपल के रूप में लिखें। जैसे 24 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। फिर 16 को लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो फैक्टराइजेशन मेथड में समझना जरूरी, सबसे पहले लिस्ट जो फैक्टर्स में हम लोग कन्वर्ट कर दिए ऑल पॉसिबल फैक्टर्स के मल्टीपल में। तो अब यहाँ से हम लोग देखना जो तीनों में जो कॉमन नंबर्स हैं उसको एक बार लिखना है। जैसे तीनों में 1 1 1 है तो एक बार लिख दिए। फिर तीनों में अगर देखा जाए तीनों में नंबर्स में 2 बार 2 हमारा कॉमन है तो वो 2 लिख दिए। तीनों में अगर देखा जाए इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है तो हम लोग मतलब कह रहे हैं मतलब जो एक जो लार्ज सबसे ज़्यादा टाइम्स है जो नंबर उसको उतने टाइम्स लिखेंगे। जैसे हमारा यहाँ 1 1 1 बार है तो 1 लिख दिए, 2 यहाँ 3 बार है, 2 यहाँ 4 बार है और 2 यहाँ 2 बार है। तो सबसे लार्जेस्ट टाइम्स मैंने टाइम्स जितने होंगे उसको लिखना है। मतलब ये 4 बार 2 को हम लोग को यहाँ पर लिखना है, 1 2 3 4। फिर 3 हमारा यहाँ 1 टाइम्स है, इसमें नहीं है, इसमें 1 टाइम्स है। तो मतलब हम लोग 3 को 1 टाइम्स लिखेंगे। तो ये एलसीएम हो गया हमारा 48। तो ये हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड आसान होते हैं। जैसे हम 24, 16 और 12 को इस तरीके से लिख लिए और सबसे स्मॉलेस्ट स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, 2 से चेक करेंगे, 2 से अगर डिविजिबल है तो 2 से करना स्टार्ट कर देंगे, अगर 2 से नहीं है तो 3 से चेक करेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना। तो 2 से अगर करेंगे तो ये 12 टाइम से चला जाएगा, ये 8 टाइम से चला जाएगा, ये 6 टाइम से चला जाएगा। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 6 से 4 से 3 से, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे 2 4, जो नहीं डिवाइड उसको होगा उसको एज इट इज़ रहने देंगे। जैसे 4 को रहने दिए और 3 हमारा 1 से हो गया। फिर 2 और 4 चूँकि 2 से हो सकता है तो 2 1 2 1। अब इससे लिस्ट नहीं जा सकता है तो यहीं तक छोड़ देंगे और फिर ये सारे जो है इसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। मतलब एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 48। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी देखें एलसीएम 48 आ गया और डिविजन मेथड से भी एलसीएम 48 आ गया। उसके बाद थर्ड मेथड है हमारा
टू फाइंडिंग लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। तो ये शुरू में बताए थे, जैसे हम 24 का अगर मल्टीपल देखें तो पहला 24 होता है, फिर 48 होता है, फिर 72 होता है। 16 का मल्टीपल देखें, 16, 32, 48, 64। 12 का 12, 24, 36, 48, 60। तो देख रहे हैं तीनों में जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 48 है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 48। तो तीन मेथड से हम लोग एलसीएम निकालना समझे। अच्छा, उसके बाद एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ ऑफ 7, 9, 11 एंड 21 निकालना है। तो 7 को हम लोग जैसे फैक्टराइज करेंगे तो 7 इंटू 1 ही हो पाएगा। 9 को 1 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 11 को 1 इंटू 11 लिख सकते हैं, और 21 को 1 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ये चारों नंबर में जो कॉमन फैक्टर हैं वो जैसे 7 है, 7 केवल 2 में मैच कर रहा है बाकी में नहीं है, 3 2 में मैच कर रहे हैं लेकिन बाकी में नहीं है, 11 1 में बाकी में नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा जो सब में कॉमन जो होगा फैक्टर वही मतलब हम लोग एस सी एफ में कंसीडर करते हैं। तो केवल 1 ही हमारा चारों में कॉमन है, तो इसलिए एस सी एफ जो होगा वो 1 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन है जैसे प्रैक्टिस के लिए सिंपल क्वेश्चन है, जैसे फाइंड एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 12 एंड 24। इजी वे में इसको कर सकते हो आप। अच्छा, उसके बाद एक कंसेप्ट याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। जैसे एलसीएम ऑफ 2 एंड 8 इज 8 होता है, फिर एलसीएम ऑफ 2 एंड 8 एचसीएफ ऑफ 2 एंड 8 इज 2 होता है। तो अगर हम देखें एलसीएम इंटू एचसीएफ किए तो एलसीएम हमारा 8 है, ये 2 है, तो 16 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स हमारा दोनों नंबर 2 और 8 है, तो 2 इंटू 8 16 आ गया। तो ये प्रूफ हो गया, मतलब एचसीएफ इंटू एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स के बराबर होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है सिंपल सा, फाइंड एचसीएफ ऑफ 8, 9, 17, 13 एंड 21, इसको आप कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे है, क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एक्स एंड वाई इज 100, एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट 100 दिया हुआ है एंड देयर एचसीएफ 50 दिया हुआ, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स, ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, फिर उसको समझाया जाएगा। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आपको आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, जिससे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा प्रिपरेशन में। थैंक यू।